जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है इसकी ऐसे सम वाले फॉर्मूले जो आते हैं, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, एक्स प्लस या माइनस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस या माइनस वाई क्या होगा, टैन ऑफ एक्स प्लस या माइनस वाई क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या आता है, आप लोगों को पता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन, सॉरी माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, माइनस साइन एक्स साइन वाई, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, और यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस प्लस आता है इन आता चेंज है, होता था साइन। चेंज हो जाता है साइन। ठीक है, सिमिलरली अगर टैन का फॉर्मूला करना है, लिखना फॉर्मूले सारे एनसीईआरटी में, अगर नहीं आना तो लिख लो हम। ठीक है, टैन ऑफ एक्स प्लस वाई, टैन ऑफ एक्स प्लस वाई का क्या होता है, टैन एक्स प्लस टैन वाई अपॉन वन माइनस टैन एक्स टैन वाई। देखो अगर यहाँ पे प्लस होता है, ऊपर वाला साइन प्लस लोगे अगर, तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा। ऊपर वाला डिनोट करता है कि ऊपर वाले सारे फॉर्मूले लेने हैं, साइन लेने हैं, नीचे वाला डिनोट करता है कि नीचे वाले सारे साइन लेने हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले का कंपोजिशन मैंने एक में लिख रखा है, इसे कंफ्यूज मत होना। ओके, मूविंग अहेड, ये सारे फॉर्मूले के प्रूफ आप लोग को पढ़ाए गए हैं, तो मुझे ऐसा कुछ पढ़ाना नहीं है। मैं कॉट का एक बार और बता देता हूँ, कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आता है, ये चाहो तो नोट कर सकते हो, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, कॉट ऑफ एक्स प्लस कॉट ऑफ वाई, एकदम इस फॉर्मूले का रेसिप्रोकल होता है। लाइक इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब ऐसा याद रखो कि टैन वाला जो फॉर्मूला होता है ना, टैन ऑफ एक्स प्लस वाई वाला, उसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है, बस ये जो यहाँ माइनस में हो रहा होता है ये पहले आ जाता है और माइनस वन कर रहे होते हैं। नहीं, स्कूल में सर प्रूफ नहीं एक पूछता, फॉर्मूले पूछते नहीं है, वो प्रूफ नहीं फॉर्मूले नहीं पूछते पूछते, कोई भी प्रूफ नहीं पूछते, कोई भी प्रूफ नहीं पूछते। सर? वो माइनस होगा तो बस वो साइन एक्स चेंज हो हाँ जाएगा। साइन, हाँ सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ वो माइनस हो जाएगा। माइनस, हाँ बस ऐसा ही चेंज होगा। ठीक है, अच्छा हो तो ये याद कर सकते हो। बट वो कॉट वाई माइनस कॉट एक्स होगा ना? हाँ, कॉट वाई माइनस कॉट एक्स होगा, इसको ऐसे ही याद करो, कॉट वाई प्लस कॉट एक्स याद करो, और यहाँ पे कॉट वाई माइनस कॉट एक्स आ जाता है नीचे। ठीक है, मैं एक बार वैसा लिख देता हूँ, तो देखो यहाँ पे प्लस और माइनस होता है अगर, तो यहाँ पे भी माइनस और प्लस हो गया सर और यहाँ आपका माइनस हो वॉइस जाता है। क्रैक हो रहा है। नहीं अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है। सर, नॉर्मल है, ठीक है। नहीं सर, हाँ ठीक है। सर, हाँ सही है, एक बार बेटा अपनी तरफ से फिर नेट चेक करना। ठीक है। ठीक है, देखो देखो नीचे माइनस आता है तो यहाँ नीचे प्लस आ जाता है, ये कॉट वाई माइनस कॉट एक्स होता है। ठीक है, ओके, और फिर यही चीज़, यही फॉर्मूले आप डबल एंगल निकालने के लिए भी, ठीक है, लाइक अगर मैंने साइन टू एक्स पूछ लिया क्या होता है, तो साइन टू एक्स इज बेसिकली आप साइन एक्स प्लस एक्स लिख सकते हो, एक्स प्लस एक्स लिख सकते हो, और यही फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो देखो यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा वाई की जगह, यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, तो बेसिकली वो टू साइन एक्स कॉस एक्स हो जाता है। सिमिलरली अगर कॉस टू एक्स लिखोगे तो कॉस टू एक्स क्या हो जाएगा, तीन फॉर्मूले आते हैं इसके, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी मैं क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचना कि बहुत रिपीटेड तो सब बोरिंग सा लेक्चर चल रहा है। टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन एंड वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे तीन फॉर्मूले आ जाते हैं। सिमिलरली अगर टैन टू एक्स का निकालोगे तो देखो टैन एक्स प्लस टैन एक्स, तो टू टैन एक्स, ये टैन टू एक्स है, ठीक है, और टू टैन एक्स अपॉन वन माइनस टैन एक्स इंटू टैन एक्स, टैन स्क्वायर एक्स, टैन स्क्वायर एक्स, ऐसा आ जाता है। ठीक है, आप कॉट टू एक्स का भी निकाल सकते हो एंड सो ऑन। उसके बाद आपको थ्री एक्स वाले फॉर्मूले भी बताते हैं, तो थ्री एक्स वाले फॉर्मूले मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, हमने पढ़ रखा है। अगर जून मार्च में मल्टीपल एंगल पढ़ा दिया है तो ये पढ़ा दिया, वैसे मैंने गौरव सर के नोट्स देखे थे कि आप लोगों को कहाँ तक पढ़ाया है, गौरव गुजराती सर के, तो उन्होंने यहाँ पढ़ा रखा था फोर साइन क्यूब एक्स, और कॉस थ्री एक्स क्या होता है, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, बस इसका उल्टा हो जाता है, देख लो ध्यान से कैसे चेंज हो रहा है। सिमिलरली टैन थ्री एक्स का भी एक बार बता दे रहा हूँ, वैसे तो टैन का किसी के भी साथ निकाल सकते हो आप, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ा दिया जाएगा आपको, टैन थ्री एक्स का फॉर्मूला बस याद रख लेना।
माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टैन, नहीं ये टैन क्यूब एक्स होता है ना, हाँ ये टैन क्यूब एक्स होगा और यहाँ वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर एक्स। बस ये इतने फॉर्मूले आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस प्रोस्पेक्ट से, स्कूल के एग्जाम से। हाँ लास्ट पेज वाले फॉर्मूले तो पता है तुम लोग को, लिख सकते हो। और एक और आता है सम टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले आते हैं, वहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस, साइन एक्स प्लस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ऐसे फॉर्मूले आते हैं साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो वो बता रहा हूँ। आप एक रिक्वेस्ट मानोगे क्या सर प्लीज, क्योंकि मतलब ये जब कवर अप लेक्चर अटेंड किए थे तो आपने मतलब सेट ऑफ फॉर्मूला और रिजल्ट बताया इंपॉर्टेंट वाले, फिर एचएम सर की क्लास अटेंड की फिर से रेमेडियल में, उन्होंने कुछ और नए बताया, फिर आपका फिर से रेमेडियल हुआ, आपने कुछ और बताया, लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही थी सर, तो आप मतलब इंपॉर्टेंट वगैरह लिख के एक फोटो भेज सकते हो क्या? मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें सारे फॉर्मूले रहेंगे। नहीं फॉर्मूले तो पता चल गए फाइनल, लेकिन वो रिजल्ट्स, मतलब उसमें सारे रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी रहेंगे, पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओके थैंक यू सर। ठीक है तो ये हो जाता है, इसके बाद सम टू प्रोडक्ट वाले फॉर्म। देखो जो फॉर्मूले अभी मैं बता रहा हूँ फॉर्मूले इतने ही है, बाकी जो रिजल्ट्स है ना वे रिजल्ट्स आप डेराइव भी कर सकते हो, बट हाँ ठीक है याद रखते हो तो फिर एडवांटेज हो जाता है। पार्थ आपको क्यों रिमोट कंट्रोल चाहिए स्क्रीन का, आप क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो? पार्थ को दो, गलती से हो गया। ओके ठीक है, नेक्स्ट इज की मान लो मेरे पास आता है साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या हो जाता है, टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है देखो चार्ट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप लोगों को फॉर्मूले पता है, मैं एक बार ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है उनका एक बार रिविजन हो जाए, एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आएंगे, आयुष मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है और साइन एक्स माइनस साइन वाई में जब करते हो तो क्या हो जाता है, टू, यही सेम चीज ही रहती है, बस यहाँ कॉस लिख देते हो यहाँ साइन लिख देते हो, तो टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू हो जाता है एंड साइन एक्स माइनस वाई बाई टू हो जाता है। ठीक है सिमिलरली अगर आप कॉस एक्स प्लस कॉस वाई लिखते हो तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, दोनों कॉस वाले टर्म ही रहते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। अब देखो कॉस का जब निगेटिव वाला फॉर्मूला लिखते हो, कॉस का निगेटिव वाला फॉर्मूला जब आप लिखते हो तो ध्यान से देखना, कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ वाई अगर आप लिखते हो तो इसको लिखने के बहुत वे होते हैं, मैं जैसे याद करता हूँ आप वैसे याद कर सकते हो या आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। मैं एक माइनस साइन डाल दूंगा यहाँ पे, टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, ऐसे भी कर सकता हूँ। आप चाहो तो इस माइनस साइन को इधर भी काउंटर कर सकते हो, तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हो, कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है तो आप चाहो तो ये वाला याद कर लो कि कॉस एक्स माइनस कॉस वाई रहता है तो यहाँ पे एक माइनस साइन आता है, cos y minus cos x हो जाता है तो इस माइनस साइन को आप अंदर ऑलरेडी काउंटर कर चुके होते हो। ठीक है दोस्तों वर वंडरिंग कि क्या है y और x कैसे पता चलेगा मुझे, तो y और x मुझे ऐसे पता चलता है कि y यूजुअली छोटा वाला एंगल होता है यूजुअली। ठीक है बाकी आप क्वेश्चंस के थ्रू समझ जाओगे। ओके और इन्हीं सारे रिजल्ट्स के बेसिस पे मैं चार फॉर्मूले और बता रहा हूँ, बस दैट विल बी द लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज दैट यू विल बी स्टडिंग। ठीक है तो इन चारों फॉर्मूले के बेसिस पे लाइक दिस दीज फोर फॉर्मूलेज के बेसिस पे ये एक ही फॉर्मूला है। ठीक है रिजल्ट आते हैं कि टू कॉज एक्स कॉज वाई, टू कॉज एक्स कॉज वाई इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉज ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है अगर मेरे पास यस प्रसन्ना है ऑलरेडी सेट किया, आप नोट्स नहीं भी बनाओगे तो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है अगर मेरे पास माइनस टू साइन एक्स साइन वाई होता है तो मैं उसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कॉज ऑफ एक्स माइनस वाई। तो देखो अगर माइनस साइन को पहले काउंटर कर लोगे तो कॉज ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई, मतलब दोनों मल्टीप्लाइंग माइनस वन बोथ साइड, ऐसा अगर कर लोगे तो ये पहले आ जाता है तब ये माइनस साइन के साथ आ जाता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। एक ही चीज़ याद रखना, कंफ्यूज मत होना, अगर साइन और कॉस का मल्टीप्लीकेशन आ जाता है, देखो दो कॉस का मल्टीप्लीकेशन आएगा तो ये फॉर्मूला,
दो साइन का मल्टीप्लीकेशन आएगा तो ये फॉर्मूला, साइन और कॉस का मल्टीप्लीकेशन आ गया तो आप क्या अप्लाई करोगे, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, और अगर कॉस और साइन का मल्टीप्लीकेशन आ गया लाइक वो भी अभी समझ जाओगे क्वेश्चंस में, ठीक, तो आप ऐसे अप्लाई करोगे एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, दीज आर द सेट ऑफ फॉर्मूलाज दैट विल बी यूज्ड, स्लाइड पे जाओ ना, दीज आर द सेट ऑफ फॉर्मूलाज दैट विल बी यूज्ड, हो गया, दीज आर द सेट ऑफ फॉर्मूलाज दैट विल बी यूज्ड इन योर एनसीईआरटी लेक्चर्स, इससे ज्यादा फॉर्मूले आपके लिए यूजफुल नहीं है, स्कूल एग्जाम्स के लिए, आईआईटी के लिए हाँ है, ठीक है, तो अब अगर मैं क्वेश्चंस पे मूव करता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, तो कुछ तो बेसिक प्रूविंग वाले क्वेश्चंस है जिसमें चार पांच क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा देता हूँ जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपका ऑफलाइन पेपर होगा कभी तो, लाइक जैसे मान लो 11th का जो फाइनल पेपर हुआ वो ऑफलाइन हुआ, या लेट्स से हाफ ईयरली तक आपकी वैक्सीन आ गई एंड उसके बाद ऑफलाइन पेपर स्टार्ट हो गया आपको स्कूल जाके देना पड़ा, अगर ऐसा कुछ सीन बनता है तब वो वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, अगर ऐसा सीन नहीं होता है तो जो आपका यूनिट टेस्ट होगा दैट विल बी इन ऑब्जेक्टिव मोड, ऑब्जेक्टिव मोड का होगा तो उसके लिए मैंने आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव भेज रखी है, अभी मैं वो भी लगवाऊंगा आपसे, अभी एज़म कि मैं अभी ये पढ़ाने के बाद आई विल बी गिविंग असाइनमेंट्स फ्रॉम दैट बुक, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो भी आप प्रिपेयर्ड हो, सब्जेक्टिव होगा तो भी आप प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, ग्राफ आपके इससे हट चुके हैं एनसीईआरटी पोर्शन से, एनसीईआरटी में आपके एक ग्राफ भी दी हुई है अभी, बट जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें ग्राफ्स को हटा दिया है, तो ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका एनसीईआरटी का, तो यूजुअली जो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं वो क्या कहते हैं कैसे होते हैं प्रूविंग वाले क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है, तो मैं भी बताता हूँ, या इक्वेशन से आते हैं तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, ओके, एक एक करके मैं आंसर कर रहा हूँ आपकी क्वेरीज, स्कूल्स ओपन फ्रॉम सितंबर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, आरएन स्कूल्स ओपन भी हो जाएंगे तो आई डोंट थिंक कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को इस टाइम स्कूल भेजेगा, ठीक है, तो स्कूल ओपन होने से डिफरेंस नहीं आएगा, टीचर्स के लिए ओपन रहेगा वो, स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस आपकी ऐसे ही चलेंगी जैसे चल रही है, आर डी शर्मा का वॉल्यूम 2 है आकाश, दैट इज बिकॉज कि आर डी शर्मा के वॉल्यूम 2 में ही ट्रिग्नोमेट्री दी हुई है ऑब्जेक्टिव वाले में, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन वहां से आप उठाओगे, मैथ्स के चैप्टर में हर चैप्टर में ग्राफ होता है, ग्राफ से मैंने प्लेइंग विद ग्राफ्स बुक भेज रखी है पार्ट, आप उसको रेफर कर सकते हो, उस बुक से आपको फंक्शंस को या क्वेश्चंस को समझना ज़्यादा इजी हो जाता है, तो हाँ हर चैप्टर में आप ग्राफ बना सकते हो ऑलमोस्ट, यूनिट टेस्ट विल बी ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, यूनिट टेस्ट विल बी ऑफ 30 मार्क्स मैथ एंड जो 12th का यूनिट टेस्ट हुआ है अभी दैट कंप्राइज ऑफ 30 मिनट्स पेपर, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, तो आपका भी 30 मार्क्स का होगा, बट आई एम सिंस विलफर्ड ही आपका पेपर लेगा, तो विलफर्ड का पैटर्न जो मुझे पता चला है जो अभी 12th वालों ने दिया है दैट वॉज 1 मार्क्स 30 क्वेश्चंस 30 मिनट्स, 1 मार्क का क्वेश्चन था, मतलब 12th वालों ने कैसे दिया, मतलब पेपर ऑनलाइन ही दिया, ऑनलाइन ही दिया, ऑब्जेक्टिव 11th का भी यही पैटर्न था, हाँ ऑब्जेक्टिव ही होगा, तो वो घर से बैठ के दे सकते हो, आप यूज कर सकते हो एनसीईआरटी में इतने फॉर्मूले दिए, मैं ये बता रहा था कि इसके थ्रू आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक सेकंड, नेगेटिव मार्किंग नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी स्कूल के पेपर में सर, वो ऑक्स लूप पे हुआ था क्या, नहीं यार ऑक्स लूप पे नहीं हुआ था, उनका गूगल पेजेस के थ्रू एक फॉर्म क्रिएट किया था उन्होंने, उसके थ्रू उन्होंने पेपर लिया था, वो बताया जाएगा, वो होगा आपको स्कूल के थ्रू सारा कम्युनिकेशन जो भी होगा वो स्कूल के थ्रू होगा, वो मैंने भी नहीं देखा, पिछला वाला स्लाइड दिखाया है ना, हाँ बेटा पिछला वाला साइड देख लो, ओके तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है, आधे घंटे हमारे पास, क्वेश्चन नोट करो आप लोग, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कोई ऐसा बहुत अलग फॉर्मूला नहीं है, ओके मूविंग ऑन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 5x माइनस 2 sin 3x प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस 5x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टैन एक्स, ये प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा आप लोगों का,
जब प्रूव हो जाए तो डन लिख देना चार्ट सेक्शन में. साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x होल अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस x इज इक्वल टू टैन x. वेरी गुड हार्दिक. याद है आप लोग इस स्टार्टिंग में परेशान रहते थे कि सर ऐसे आपको कैसे समझ में आ जाता है कि किसकी पेयरिंग करनी है और क्या करना है. बट अब धीरे धीरे चीजें होने लगी. ठीक है, तो वो वही मैं कह रहा था कि जब आप एफर्ट्स पुट करोगे ना, एक बार एक महीने का वो फेज होता है वो पास हो जाता है ना, फिर अपने आप ही हो जाता है, समझ में आने लगता है. वेरी गुड आयुष, वेरी गुड पलक, वेरी गुड मनीष. मनीष आपको कल के पेपर में क्या हुआ था? वेरी गुड सर, कल का पेपर पूरा ही अजीब था. ऐसा टाइप के क्वेश्चन एचएम सर ने कराए थे, हमने किया था सर, उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं आया, एकदम अलग सा ही था. पहली बार ही देखा था सर. पढ़ा ही नहीं था विश्वजीत. मैंने देखा विश्वजीत आपका भी रिजल्ट. बहुत सर मेरा देखा सर. पेपर के बाद सर मतलब कितना परसेंटेज आना चाहिए एवरेज? Insufficient practice. अभी insufficient practice भी है तो कितना कम स्कोर कर लोगे मनीष? और कितना क्या एवरेज कितना आना चाहिए था कल के पेपर में? 50 के आसपास तो आना ही चाहिए था. हाँ 45-50 तक तो आना चाहिए था, उतना तो पेपर था. मतलब 40 प्लस तो आना ही चाहिए था. हाँ देखा हार्दिक, मैंने आपका भी देखा. सर वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? लास्ट क्वेश्चन का आंसर है सर पलक, मैंने आपको बोला था वाला सर गलत, मेरे मल्टीपल. नहीं नहीं क्वेश्चन सारे सही थे. लास्ट क्वेश्चन का आंसर पलक मैंने देखा नहीं यार, सॉल्व नहीं किया. मैंने क्वेश्चन तो देख लिया था, फिर मेरे दिमाग से स्किप हो गया. 2a-7 वाला ग्रेटर देन 8 आ रहा था. ये हुआ सबका, ये जो ऊपर मैंने लिख रखा है सही है. मैंने तो स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वो 2a-7 वाला मॉड्यूल का. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, किसी को इसमें प्रॉब्लम? इज देयर एनीवन जिसको इसमें प्रॉब्लम है? चैट सेक्शन में बस अभी वही लिखना, बाकी देखते हैं. हो गया मतलब सबसे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना. एनीवन प्लीज अनम्यूट करके बस रजत बताओ कैसे किया. चला गया क्या सर? फॉर्मूला लगाया मतलब साइन एक्स प्लस साइन डी लगाया होगा. ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी लगाया. यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी लगाया. देखो अगर कॉस सी माइनस कॉस डी लगाओगे, जो मैं बता रहा था आप लोगों को यहाँ पे कि आप लोग अपने आप ही समझ जाओगे, तो कॉस डी माइनस कॉस सी लगाओगे तो एक माइनस साइन आएगा. कॉस डी माइनस कॉस सी लगाओगे तो पॉजिटिवली ओपन होगा. तो अपने यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी लगाया होगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आया होगा. ठीक है, तो नेगेटिव साइन आप डालो. माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू थ्री एक्स साइन सी माइनस डी बाई टू साइन टू एक्स ऐसा आ गया होगा. और सिमिलरली यही सेम चीज़ ऊपर भी आई होगी ऐसा ही भी कुछ, और सारी चीज़ें कैंसिल आउट होकर के फिर यहाँ पे जब आया होगा फिर उसको रजत ने कैसे सिंप्लीफाई किया? रजत बताओ. सर वो लगा दिया मतलब इसमें समझ गया था, मैंने लिखा नहीं है फेयर में, लेकिन साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला लगाया मैंने तो टू टू तो कैंसिल हो गया नीचे से. अच्छा वो मैंने पूछ लिया. देखो साइन सी प्लस साइन डी क्या हो गया, साइन थ्री एक्स. मैंने टू कॉमन निकाल लिया उसमें से, माइनस टू साइन थ्री एक्स में से, इन दोनों में से टू कॉमन निकाल के मैंने साइन थ्री एक्स क्यों नहीं कॉमन लिया? हाँ टू साइन थ्री एक्स कॉमन लिया और फिर टू तो साइन थ्री एक्स कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, और फिर cos 2x upon sin 2x. ठीक है, और यहाँ एक माइनस तो इसीलिए तो मैंने पूछा था कि प्रूफ किया है कि नहीं किया है. देखो यहाँ से ध्यान माइनस 1 भी बच जाएगा ना, या 1 माइनस cos 2x आएगा upon sin 2x आएगा. ठीक है, देखो यहाँ से sin 2x कॉमन लोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 2x माइनस 1 हो जाएगा ये. ठीक है, अगर cos 2x माइनस 1 हो गया तो फिर इस माइनस साइन को अंदर काउंटर करेंगे तो 1 माइनस cos 2x हो जाएगा. और देखो एक और चीज अभी बता दूं आप लोगों को कि अगर 1 माइनस कॉस 2x रहता है तो आप सिंपली उसको 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिखोगे, मतलब 2 साइन स्क्वायर x लिखोगे. अगर 1 प्लस कॉस 2x होता है तो उसको 2 कॉस स्क्वायर x लिख दो, 1 माइनस कॉस 2x होता है तो उसको 2 साइन स्क्वायर x लिख दो. ये हमेशा करते चले आना, सिंपल हो जाता है इक्वेशन. तो 1 माइनस कॉस 2x है तो 2 साइन स्क्वायर x लिख दिया, और यहाँ साइन 2x को भी आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो 2 साइन x cos x में.
तो 2 से 2 कैंसिल, sin x से स्क्वायर कैंसिल, sin x अपॉन cos x tan x हो गया. तो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो सर. ऐसा क्वेश्चन सर वो आता नहीं है सर, आप बोलते हो लेकिन एकदम हार्ड क्वेश्चन दे देते. नहीं ये तो मैं मेरे टेस्ट में नहीं, मेरे टेस्ट में नहीं, स्कूल वाले टेस्ट में. वो तो IIT में बॉक्स में क्या लिखा आपने, कौन से रिजल्ट? 1 plus cos 2x is equals to 2 cos square x, 1 plus cos 2x is equals to 2 cos square x, 1 minus cos 2x is equals to 2 sin square x. ओके हां, संडे को कोई टेस्ट है क्या यार? संडे को देखो, तुम लोग के जो रेगुलर टीचर्स है ना टेस्ट का, वो बताते हैं. मैं थोड़ी ना कोई टेस्ट बनाता हूं आप लोगों का. ये क्वेश्चन सर कल के क्वेश्चंस खुद बनाए थे ना सर ने? शायद यार मेरी बात नहीं हुई उनसे. बनाएंगे तो और कौन सर बना सकते, मतलब पेपर बनाने के लिए. अगर देखो टेस्ट होगा कि नहीं ये तो वही बताएंगे. पेपर बनाना अगर होगा तो वो मुझे भी बोल सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, गौरव गुजराती सर को भी बोल सकते हैं. मतलब मैथ्स की कोई ना कोई फैकल्टी पेपर बनाएंगे आपका. जैसे आपका पार्ट टेस्ट वाला पेपर मैंने बनाया था, जून बैच का कल एक पेपर हुआ है वो मैंने बनाया था. तो डिपेंडिंग ऑन कि कैसा पेपर हो रहा है वो सर बताते हैं कि मुझे बनाना है या खुद से बना लेते हैं वो. अगर मैं बिजी हूं तो टेस्ट तो उन्होंने ही बनाया था ना सर, n प्लस 2 कौन सा उन्होंने बनाया होगा. क्यूटी टेस्ट बहुत खतरनाक था सर. सर सबसे ऐसा वो उन्होंने बनाया था, पैंट गीली हो गए सर देख के. क्या बोल रहा है? cos of n प्लस 1 x into cos of n प्लस 2 x ठीक है is equals to cos of x. ये प्रूफ करना है. किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूँ. sin of आइडेंटिटी लग रही है, sin of n प्लस 1 x sin of n प्लस 2 x प्लस, बेटा एक सेकंड सबको सोचने का मौका दो. ठीक है, sin of n प्लस सर वो अंदर x से क्या n होने का है ना, n है. sin of n प्लस 1 x sin of n प्लस 2 x प्लस cos of n प्लस 1 x cos of n प्लस 2 x is equals to cos x. ये प्रूफ करना है. नहीं बताओ बेटा, सबको सोचने का मौका दो. दूसरे बैच में आप लोगों के जितना नहीं कर सकते. ओके आर्यन, जिसका होता जा रहा है ना वो एनसीईआरटी के रैंडमली क्वेश्चंस उठा के लगाते रहो, खाली मत बैठो. एक्सरसाइज 3.3 रैंडमली उठा के लगाते रहो. सर वो लास्ट में क्या है, इक्वल टू कॉस एक्स है? हाँ इक्वल टू कॉस एक्स है, वो प्रूफ करना है. सर एनसीईआरटी की कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज से करना है? 3.3 सर, कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा के लगाते रहो, खाली मत बैठो. हाँ जिसका हो गया वेरी गुड, आप लोग लगाते रहो एनसीईआरटी के रैंडम एक्सरसाइज से. कृष्णा मुझे ऐसे तो आइडिया नहीं है, बट हाँ वैसे ही कुछ बनेगा. करेक्ट क्रिश, कृष्णा हाँ वैसे ही सही बोल रहे हो, क्रिश भी सही बोल रहे हो. ठीक है हाँ, तो सबका हो गया. इज देयर एनीवन जिसका नहीं हुआ तो मैं बताऊं, मतलब मैं बताऊंगा तो फिर भी एक बार. अगर आप ध्यान से देखो तो कॉज ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b. अब यहाँ पे a क्या है, a is n प्लस 1 x और b क्या है, b is n प्लस 2 x. देखो यही लिखा है, हाँ वो नहीं n है, n है. ठीक है, तो ये सिंपली अगर आप ऐसा लगाओगे तो देखो आपको दिख रहा होगा cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी. अब जिसको समझ में नहीं आया कि सर आपको कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला है, देखो दो कॉस का मल्टीप्लिकेशन है प्लस साइन है, दो साइन का मल्टीप्लिकेशन है. ऐसा कौन सा फॉर्मूला आता है कॉस ऑफ ए माइनस बी का आता है? अगर ध्यान से आप ये वाला फॉर्मूला याद करो तो एक बार ट्राई कर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही वाली आइडेंटिटी डायरेक्टली लिखी हुई है, यही वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा हुआ है.
अब इसको फर्दर एक्सपैंड करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, cos of mx plus x minus mx minus 2x, ठीक है, nx minus x cancel, x minus 2x, तो ये क्या आ गया, cos of minus x आ गया। और आपको मैंने एक और चीज बताई हुई है कि cos of minus x cos of x के इक्वल होता है, ठीक है, सबसे पहले पेज पे मैंने बताया था कि cos of minus theta is cos theta and sec of minus theta is sec theta, बाकी सारे के साथ माइनस साइन आ जाता है, तो देखो hence true, ठीक है, using this formula आप ऐसे लिखोगे कि using formula cos of a minus b where a is n plus 1x and b is n plus 2x, we can write this as, we can simplify it as, ठीक है। अभी moving on to next question, ठीक है, moving on to next question, next question is cos of 9x minus cos of 5x upon sine of 17x minus sine of 3x, इसको प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन cos 10x, cos 10x minus sin के साथ prove this following, prove this thing, ये x है सर, सब x है यहाँ पे, अगेन जिसका होता जाएगा वो एनसीईआरटी के रैंडम क्वेश्चंस लगाते रहो, वो दिनेश कुरभव्या, एनसीईआरटी 3.3 अगर आप लोग अभी लगा लोगे तो फिर आप लोग को ऐसा असाइनमेंट नहीं लूंगा, नहीं लगा पाओगे तो जो भी क्वेश्चन बचेंगे वो करने पड़ेंगे, इट इज बेटर कि अगर आपका हो जाए तो आप जल्दी जल्दी लगाते रहो। वेरी गुड देवांश, सर आ गया, मतलब क्या इसमें क्या बोले, थैंक्स टू देवांश, मैंने आपका रिजल्ट देखा था, इट वाज सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपका बैच में, रितु आपको, आप नहीं रितु का तो, रितु तो इस बैच में, एक रिया नाम के स्टूडेंट है सर, आपने मेरा पेपर देखा, बैच चेंज वगैरह होने वाला है क्या यार, इसके बारे में सॉरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आई गेस कि अगर सबका सिलेबस एक लेवल पे आ जाएगा तो मर्जिंग हो सकती है, नहीं बैच ऐसे चेंज तो नहीं होता, मतलब मर्जिंग होती है, अब लेकिन अगर होता भी होगा तो फिर अभी के सिचुएशन में क्या होता है ना कि अभी के सिचुएशन में तो ऑनलाइन क्लासेस ही देनी है सबको, तो अभी चाहे इस आईडी से ज्वाइन करो चाहे उस आईडी से ज्वाइन करो, फिर पढ़ाएगा तो एक ही फैकल्टी ना, मतलब सिस्टम गंदा लगता है सर। हाँ देवांश, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट बेटर करना अपने पेपर में, मैंने आपका देखा था पेपर, हाँ वैसे मैं रिजल्ट चेक कर लेता हूँ अब आप लोगों के, नो आई हैव दैट अथॉरिटी, पहले मैं नहीं चेक कर पाता था तो मुझे पता नहीं चलता था सर, मेरा तो पता नहीं पेपर बहुत खराब चला गया सर। हाँ यूश आपने बता दिया था, करेक्ट सर, मेरे चैटल 3.3 तो गायब हो गए मेरे बहुत गंदा हो गया सर, तीन क्वेश्चंस गायब हो गए थे, आई गेस नहीं, मतलब सर मार्क किया था लेकिन वो पता नहीं वो बाद में दिखा रहा है रिपोर्ट में कि मार्क नहीं हुआ। ओके तो अपर्णा मैम से बात किया सर, अपर्णा मैम को बोलता तो वो हमेशा बोलती तुम्हारे वाईफाई का प्रॉब्लम होगा सर, बहुत बार। हां सर सेम मुझे भी वही। अच्छा चलो, वैसे कोई सर ऐसे कोई नंबर सर, ऑक्सलूप बड़ा घटिया ऐप है सर, बहुत इनएफिशिएंट है। नहीं सर, मेरे साथ हुआ था ये एक बार, वो ट्रिग्नोमेट्री का वो हुआ था ना अपना फॉर्मूला टेस्ट, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने मार्क किए थे कुछ 40 और दिखा रहा था उसमें 20 और 80 मार्क्स दिखा रहा था मेरे को 160 में, तो मतलब वो मैम ने फिर देखा था तो बता दिया था कि नहीं नहीं हम लोग का ही गलती हुआ है, तो फिर दे दिया था। अगर पता नहीं फिर मैम ही देखती है, वो मैम को ही आइडिया रहता है, मतलब हम लोगों को तो ये सर, हम मुझे तो प्लेटफॉर्म का अभी लास्ट वीक वो मिला, क्रेडेंशियल्स मिले हैं मेरे,
तो फिर आपका गलती है, लेकिन अगर हम लोग का गलती है तो मैम बढ़ा भी देती है। ओके ठीक है, तो फिर देखो अभी आप जो भी मैंने कराया है ठीक है, इस पे आप एनसीईआरटी का 3.3 तो लगाओगे। ये वाला क्वेश्चन आई होप सबसे हो गया होगा ठीक है। एक और क्वेश्चन आप ट्राई करना टैन 4x का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करना ठीक है। जिन्होंने नहीं कर रखा है उनके लिए बता रहा हूँ, मई वाले बैच वाले या दूसरे बैच वाले स्टूडेंट्स जिनका ट्रिगो अभी स्टार्ट हुआ है, टैन 4x का फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करना ठीक है। और एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3.3 में क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन भी है ये प्रूव करने को ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो 3.3 तो आपको कंप्लीट करनी ही है ठीक है, जो मैंने आज पढ़ाया है उसके बेसिस पे, मतलब पढ़ाया क्या है फॉर्मूले रिवाइज करवाए हैं। देखो एक मैंने आपको आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव बुक भेजी हुई है सर, cos a plus b के और sin a plus b के प्रूफ में दिक्कत हो रही है सर, प्रूफ में वो तो एक लाइन का प्रूफ है उसमें लिखा हुआ है क्या कहते हैं एनसीईआरटी में देख लो, मतलब वो डायग्राम से जो प्रूफ होता है ना आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है। एसएल ओनी भी रेफर कर सकते हो, एसएल ओनी भी रेफर कर सकते हो, रेफर करना एक बार, नहीं समझ में आएगा तो मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट करना ठीक है। ओके तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो पहले, फिर चैट बॉक्स पे स्पैम करना मैसेजेस अपने। आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव जो मैंने बुक फॉरवर्ड किया है वॉल्यूम 2 आप लोगों को ठीक है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बट आपके स्कूल लेवल से थोड़ा सा ऊपर के लेवल के पेपर्स हैं ठीक है। तो इसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है आपको, इसमें एक्सरसाइज में रफली अराउंड 190 क्वेश्चंस हैं, रफली नहीं 190 क्वेश्चंस हैं एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव ठीक है। ये आपको पूरे सॉल्व करने हैं, आज 10 है और मंडे है, एक सेकेंड 15 को सैटरडे 15 अगस्त तक सॉल्व करके आपको आरडी शर्मा वॉल्यूम 2 ऑब्जेक्टिव जो मैंने आप लोगों को बुक भेजी है उसमें चैप्टर 27 पहला चैप्टर है उस बुक का, बेसिकली चैप्टर 27 नाम से है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। सर मार्क करना है ना, एक एक्सरसाइज है इसमें, एक एक्सरसाइज है, नहीं आपको सॉल्यूशन भेजने है उसके, मतलब प्रॉपर एकदम अच्छे से प्यार से वर्किंग दिखा के, नहीं मतलब ऐसा भी वर्किंग दिखा करके नहीं भेजना, ऑब्जेक्टिव है आपको रफ में करना है, 190 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं मुझे भेजने हैं, जितने नहीं हो पाएंगे वो नेक्स्ट सेशन में, अगर आप चाहो तो अभी से अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, तो फिर वेंसडे थर्सडे में जब भी हमारी क्लास होने वाली है सर उतना स्कैन करने में 3-4 घंटा निकल जाएगा, कितना होता है यार, देख एक लाइन के आंसर्स निकलेंगे, ऑब्जेक्टिव है वो भी स्कूल लेवल का, सर बुक पे टिक करके भेज दोगे सर, नहीं मतलब ग्रुप पे डाल दीजिएगा क्या सॉल्व करके भेजना है। हाँ मैं ग्रुप पे भी डालूंगा, फिर भी इस बार ध्यान से सुन लो प्लीज, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दो फिर आप लोग बोलना। आरडी शर्मा वॉल्यूम 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 27 15 अगस्त तक भेजना है, अलोंग विद दिस चैप्टर 31 भी आपको सॉल्व करना है, चैप्टर 31 अभी के लिए ऑप्शनल है ठीक है, लेकिन सॉल्व कर लोगे एडवांस में तो बेटर रहेगा। एक बैच में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये ट्रिगो इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं, एक बैच ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है ट्रिगो इक्वेशंस, तो अगर आप लोग अभी से एडवांस में इसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे तो आपके लिए बेटर होगा ठीक है। ओके एक और चीज मैं बता दूं, नहीं थोड़ा थोड़ा एक साथ ही कंपाइल करके भेजना, मुझे रोज रोज क्या मैसेज भेजोगे। दूसरा क्या कहते हैं इसमें ट्रिगो क्वेश्चंस, इक्वेशंस वाले चैप्टर में 66 क्वेश्चंस हैं ठीक है ऑब्जेक्टिव, जिसको थोड़ा बहुत भी इक्वेशंस में प्रॉब्लम आ रही है ना, बहुत सारे लोग मुझे रीच आउट कर रहे थे कि क्या कहते हैं इक्वेशंस में कैसे क्वेश्चंस को पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, सर प्रैक्टिस कैसे करें, तो जिसको प्रॉब्लम हो रही थी ट्रिगो इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में वो ये वाला पहले लगा लो, मतलब जिनका भी चल रहा है हिमांशी सर वाले बैच का ठीक है। बाकी जितने भी बैचेस हैं वो ये वाला असाइनमेंट कंपलसरी है आपका चैप्टर 27 15 अगस्त वाला। सर आपने क्या लिखा है एक और बार बताना पूरा, सॉरी मैं बता रहा हूँ ठीक है। तो फिर ये वाला असाइनमेंट चैप्टर 27 वाला कंपलसरी है, चैप्टर 31 वाला ऑप्शनल है, ये मैं बाद में दूंगा, तो आप चाहो तो अभी इसे एडवांस में लगाना शुरू कर सकते हैं, उसमें 66 क्वेश्चंस हैं। आई एम सेइंग दैट चैप्टर 27 में एक एक्सरसाइज दी हुई है जो मैंने आरडी शर्मा वाली बुक भेजी है, वो आप कंप्लीट करोगे 190 क्वेश्चंस एंड मुझे भेजोगे 15 अगस्त तक, अपने अटेम्प्ट भेजोगे मुझे। सर अभी जो हमने जो 3-4 सम सॉल्व किए लाइक वही कॉलेज लेवल है क्या? हाँ जो आपने ये सॉल्व किया है ना ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये पेपर तब आता था जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होता था, जैसे आप स्कूल में जाकर के एग्जाम देते थे। अब द थिंग सिनेरियो हैज चेंज्ड, द थिंग इज कि अब आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना पड़ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर अगर आपको देना पड़ेगा तो उसके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम 2 डाउनलोड की थी और वो आपको शेयर किया है
दैट इज व्हाई ये 90 क्वेश्चंस तक बता रहा हूं सर उसका कुछ टाइम लिमिट होगा क्या बताया तो 15th अगस्त तक भेजना है नहीं 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 सर जैसे कि हम हां पेपर देने का टाइम लिमिट होगा अगर नहीं सर वो होमवर्क का कि सपोज जैसे 12 घंटे में हो जाना चाहिए ऐसा कुछ नहीं नहीं वो 190 क्वेश्चंस है स्टार्टिंग के 40-50 क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी हैं वो आधे आधे मिनट में एक एक मिनट में हो जाएंगे आप लोगों से बाद वाले क्वेश्चंस हो सकता है दो दो मिनट लें तीन तीन मिनट लें फॉर्मल लिस्ट शेयर कर रहा हूँ एक सेकंड करके यार ग्रुप पे स्पैम मत करो एक बार पीडीएफ रीसेंड कर दो कैसे रीसेंड कर दो यार अभी 15 मिनट पहले तो भेजिए आयुष क्लास स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले सर वो स्कूल इजी पेपर बनाती है हार्ड बनाती है स्कूल इस लेवल का पेपर बनाती है मैंने बताया ना ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ये वाला एंड ये वाला एट मोस्ट लेवल है ये सर 11th वाला पूरा एनसीईआरटी से बना था हां 11th वाला पूरा एनसीईआरटी मुझे पता है 11th का पेपर एनसीईआरटी से आता है मैं ऑब्जेक्टिव क्यों करवा रहा हूं एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी प्लस थोड़ा तुम लोग प्रैक्टिस पढ़ लोगे एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर लेवल हो जाएगा तो फिर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जैसे जो बच्चे बस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं उनको एनसीईआरटी लगवाना है समझ में आता है तुम लोगों को लगवा रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम लोग आईआईटी के लिए भी पढ़ रहे हो ऑब्जेक्टिव में सर चार के बदले दो ऑप्शन दिए गए सर बस ठीक है तो एनसीईआरटी टू कॉलेज हो एनसीईआरटी टू कॉलेज हो जाएगा हां एनसीईआरटी डाउट था हाँ बताओ सर इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो हमने काइंड ऑफ किए होंगे ना पहले कोई प्रॉब्लम नहीं आप इसको स्किप भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लाइक मतलब मेरा मेन एम ये है कि आप अटेम्प्ट कर लो सारे उसके लिए मुझे एक बार अटेम्प्ट अपने भेज देना अगर आपका कोई किया हुआ है तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन के आगे सॉल्व ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अगर नहीं भी लिखोगे एक लाइन लिख भी दोगे कि लाइक जैसे इसी वाले क्वेश्चन में था कि यूजिंग कॉज ए माइनस बी आइडेंटिटी वी कैन प्रूव दैट अगर ऐसा भी स्टेटमेंट एक लिख दोगे तो भी समझ में आएगा कि हाँ ठीक है आपको क्लिक कर गया था तुरंत तो भी मुझे चलेगा जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपके सामने खुला हुआ है इसमें आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप लिख सकते हो यूजिंग कॉज ए माइनस बी आइडेंटिटी द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ऐसा भी लिख दोगे तो भी चलेगा ठीक है और बहुत ज़्यादा नहीं मतलब हार्डली 25-30 पेज आपकी कॉपी के लगेंगे और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे 190 बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है उसके लिए बोर्ड्स आपको अभी कहाँ देना है ओमकर आपको तो बोर्ड्स अगले साल देना है सर वो स्कूल के बुक में मल्टीपल आंसर और इंटीजर टाइप आएंगे क्या एक सेकेंड ओमकार आपको बोर्ड्स क्यों अभी से बोर्ड्स के नोट्स के चाहिए बोर्ड्स में ट्रिगो नहीं आती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आता है चैप्टर 12 मतलब क्लास 12 का दूसरी चीज क्या कहते हैं ट्रिगो के नोट्स आपको क्या नोट्स प्रोवाइड करूंगा ये फॉर्मूले ही तो हैं सारे फॉर्मूले का मैंने बोला है कि एक पीडीएफ शेयर करूंगा ही ऑलरेडी सर वो cos a + b वाला डेरिवेशन सेंड कर देना सर हाँ cos a + b वाला डेरिवेशन ठीक है मेरे पास लिखा होगा वैसे तो ऐसे लोनी रेफर कर लो ना उसमें दिया हुआ है पढ़ो वहां से एक बार ठीक है सर हाँ दूसरा क्या कहते हैं हाँ एनसीईआरटी का होमवर्क एक्सरसाइज 3.3 है जिसने कंप्लीट कर लिया अभी दैट इज गुड अनीश ने कंप्लीट कर लिया अनीश ने बोला मुझे 1 और 2 तक नहीं मतलब वो इजी है ना बहुत ओके कोई और कुछ कुछ पूछ रहा था अपार्ट फ्रॉम रजत सर लॉग प्रैक्टिस के लिए कैन यू सेंड लाइक फ्यू लॉग प्रैक्टिस के लिए या लॉगरिथम के लिए मैं आरडी शर्मा वॉल्यूम 1 भेज देता हूं आप वो लगा लो सर उसके लिए डीपीपी वो सब दिया हुआ है सर बालाजी का नहीं नहीं मतलब अगर इजी लेवल लगाना है इजी लेवल से स्टार्ट करना है तो आरडी शर्मा वॉल्यूम 1 भी भेज रहा हूं मैं आपके ग्रुप में आप वहां से लॉग की प्रैक्टिस कर सकते हो एक एक करके पूछो बेटा क्या पूछ रहे हो सर ट्रिगो और ट्रिगो का बालाजी भेज दीजिए ना ट्रिगो का बालाजी यार मेरे पास नहीं होगी होती तो मैं शेयर कर देता पूछता हूँ ट्रिगो का तुम लोग को मटेरियल चाहिए क्या हाँ सर खत्म हो गया ट्रिगो का मटेरियल संगेज लगा लिया तुम लोगों ने हाँ सर वो डीपीपी बहुत मटेरियल है मतलब एलएन कंप्लीट करवा दिया तुम लोगों से एसएलओनी लगवा ली तुम लोगों से पीएसएन लगवा लिया तुम लोगों से खुद के कोचिंग का मटेरियल अभी व्हील का मटेरियल तुम लोगों को मिला संगेज का भी लगाया और फिर भी ट्रिगो में प्रॉब्लम मार्क्स नहीं आ रहे सर हाँ सर मार्क्स तो अब एप्लीकेशन से आएंगे ना सर पीएसएम क्या है थैंक यू सो मच ठीक है फिर किसने लिखा टीएसएम टीएसएम नहीं पीएसएम बोला था मैंने हाँ सर पीएसएम है क्या पीएसएम बुक थी ना शेयर की थी आपके ग्रुप पे पब्लिकेशन है पीएसएम पब्लिकेशन जैसे अरिहंत बुक होती है अरिहंत पब्लिकेशन पीएसएम ठीक है सर आपने होमवर्क बताया था ना रिपीट करो ना प्लीज
मैं होमवर्क ग्रुप पे टाइप कर दे रहा हूँ भाई, कितनी बार भाई सेम चीज रिपीट करवाओगे? चैप्टर 27 लगाना है, 190 क्वेश्चंस हैं सर मेरा, 27 लगाना है, 190 क्वेश्चंस अभी नेट चल रहा है ना, चैप्टर 27 190 क्वेश्चंस हैं, 15th अगस्त तक लगा के भेजना है। ओके सर, थैंक यू सर। हां यस यू कैन लीव नाउ सर। वो फार्मूला की लिस्ट भी भेज दीजिए, आपको रिजल्ट फार्मूला का पीडीएफ मैं भेज रहा हूं। हां सर, ओके थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय सर। सर आरडी शर्मा के साथ और कुछ खरीदना है? नहीं नहीं, स्कूल के लिए कुछ भी नहीं खरीदना। ठीक है सर। सर आरडी खरीदना है? आरडी भी क्यों खरीदोगे, भेज तो रहा हूँ पीडीएफ सारे। अगर मतलब हार्ड कॉपी से पढ़ना है तो खरीद लो। वही मैं अगर हार्ड कॉपी से पढ़ना है तो खरीद लो, वैसे तो मैं पीडीएफ सारे शेयर कर ही रहा हूँ। चलो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। एलन भेजता हूँ विश्वजीत। बाय।